वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट दिस इज़ आर एंड टूडे वी विल कवर अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ओके तो पिछले बार हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को कवर किया है आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करेंगे ओके सो हैव यू एवर अ ब्लैक स्मिथ बिटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पैड सोवल एंड एक्स देखिए क्या आप लोगों ने कभी ब्लैक स्मिथ को यानी लोहार को आयरन यानी जो लोहा का पीस होता है उसे बीट करते हुए देखा है या फिर उससे बना हुआ कोई आर्टिकल जैसे सिकल सोवल वगैरह या फिर एक्स वगैरह यहाँ पे स्पैड है तो इन सबको बीट करते देखा है अगर देखा है तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं डू यू फाइंड अ चेंज इन शेप ऑफ़ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग क्या आप कोई भी शेप आपको पता चलता है जब हम इसे बीट करते हैं जब ये बीट होता है वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेन इफ यू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल देखिए इससे पहले हम लोगों ने आयरन को बीट किया उसके बाद हम लोगों ने कोल को बीट किया देखिए आयरन में हमारा सेप चेंज हो गया कोल में क्या हमारा सेप चेंज हुआ नहीं कोल में हमारा सेप चेंज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ क्योंकि कोल हमारा एक नन मेटल है ठीक है और वो पोल्ड्री फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ठीक है यहाँ पे एक्सरसाइज है आपको ये सब ये इन सारी चीज़ों को आपको बिट करके देखना है जैसे तो मैं आपको बताती हूँ आयरन नेल आप बिट करोगे तो उसका शेप चेंज हो सकता है कोल पीस में शेप चेंज नहीं होगा एल्यूमिनियम वायर में शेप चेंज होगा पेंसिल लीड में शेप चेंज नहीं होगा अब आप बोलोगे आपको कैसे पता अभी हम आगे सीखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे यू शो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग आप लोगों ने देखा कि आयरन का जो मेटल आयरन का जो नेल था और एल्यूमिनियम की जो वायर थी उसने अपना सेप चेंज कर लिया जब हमने उसे बीट किया इफ़ दे वे बिटन हार्डर दो कुड बी चेंज इन टू शीट्स क्या अगर हम उसे और मीन्स एक तरह से हार्ड hard, और हार्डर बिट करें तो क्या वो अपने कुड बी चेंज इन टू शीट्स क्या वो शीट्स में चेंज हो जाएंगे तो यस yes. अब कैसे अब देखिए यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स देखिए मार्केट में ज़्यादातर काजू अर्फी वगैरह अवेलेबल होता है उसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि उस पर एक चांदी का वर्क लगा होता है वो चांदी का वर्क क्या होता है चांदी एक मेटल है जिसे बीट करके वो लेयर निकाली जाती है वैसे एल्यूमिनियम अलु, अलु, फॉयल में भी होता है यू मस्ट ऑल्सो फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड मैंने आपको जस्ट बताया कि एल्यूमिनियम फॉइल से भी आप फेमिलियर होंगे जो यूज होता है फूड को रैप करने में ठीक है अब देखिए अब देखिए यहाँ पे मेलेबिलिटी क्या होती है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इन टू थीन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी मेलेलीबिलिटी देखिए मेलेबिलिटी क्या होती है जब कोई भी मेटल को मेटल में प्रॉपर्टी होती है कि हम उसे बिट करके थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो उसकी मेलेबिलिटी कहलाती है ओके okay? दिस इज़ ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हमारे मेटल की यानी खासियत प्रॉपर्टी है एज यू मस्ट हैव नोटिस क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे मटेरियल से कोल हो गए पेंसिल लीड हो गया डो नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज़ उन सब में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखती है आपको ठीक है वो थीन शीट्स में नहीं हो सकते तो कैन वी कॉल दीज मेटल्स क्या हम इसे कॉल मेटल बोल सकते हैं तो ऐसा नहीं है ये नन मेटल्स होंगे कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट देखिए क्या आप एक मेटेलिक पेन को पकड़ सकते हैं अगर उसमें प्लास्टिक या फिर का एक तरह से बोल सकते हैं आपकी हैंडल ना हो तो क्या हम उसे पकड़ पाएंगे नहीं हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि जो पेन होगा वो मेटेलिक है और मेटेलिक क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के वाई क्यों तो मैंने आपको बता दिया ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बींग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस वॉट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुडन प्लास्टिक दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज ए स्क्री ड्राइवर आप लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा जो स्क्र्यू ड्राइवर यूज कर रहा होता है वाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव उसके पास किस तरह का हैंडल होता है उसके पास जो हैंडल होता है उसमें वो प्लास्टिक का होता है ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है देखिए मैं बताती हूँ आपको आयरन रड और नील गुड कंडक्टर है हीट का सल्फर हमारा पुअर कंडक्टर है कोल पीस पुअर कंडक्टर है कॉपर वायर गुड कंडक्टर है ओके यू ऑब्जर्व दैट आयरन रड नेल्स कॉपर वायर्स आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सर्फल सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर ये मैंने आपको बताया ठीक है उफ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न इन क्लास सेवन हम लोगों ने क्लास में सेवन में ये चीज़ को पढ़ चुका है पढ़ा है हम लोगों ने कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो हीट का कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा वो ऑब्वियसली हीट का भी कंडक्टर होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है आज मेलेबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है ओके तो अगले वीडियो में हम डक्टिलिटी जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है यहाँ पर ये वाला इसे डक्टिलिटी बोलते हैं तो अगले वीडियो में हम इसे कवर करेंगे आज हम लोगों ने मेलेबिलिटी कवर की है क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे कैन बी टेन एंड प्रोड्यूस इट इंटू थीम शेड्स ओके अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रॉम दिस साइड आर्या थैंक यू